शिवराज सिंह चौहान बिजावर पहुंचे। मेला मैदान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला ने पिछले 5 सालों में बिजावर किए विकास कार्यों के लिए शिवराज सिंह का आभार जताया। शिवराज सिंह चौहान अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पिछली 14 महीने की कमलनाथ सरकार पर भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुनः राजेश शुक्ला को जिताने और प्रदेश में भाजपा सरकार बनवाने की अपील की। आप सबको मुझ पर विश्वास है तो मेरे परिवार की बहनों और भाइयों, अपने भैया को जिताना और सब बहने निकल जाना गांव गांव कि भैया की सरकार बनाएंगे। बोले जाओगे, बहने भी निकले, भाई भी निकले और भांजे भांजे तुम भी निकल जाओ। अरे मामा अकेला कहां तक परेशान, बोलो सब निकलोगे, सब निकलोगे। चिंता काय को करते यार, हमारे पास पैसा की कमी थोड़ी है। सटाई में महाविद्यालय खोलेंगे, ईसानगर को नगर पंचायत बनाएंगे और झुमटुली में पुलिस चौकी खोल देंगे। चिंता मत करो, जब हम मौलिया महोत्सव में आए थे तब भी जो कह के गए थे होगा को नहीं, तो मामा जो कहता है वो करता है। चिंता मत करो, बताओ आप हमें आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, बबलू शुक्ला को राजेश को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। दो याद उठा के आशीर्वाद दे दो, आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत। बिजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।